आज का हमारा टॉपिक जो है डाइस है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पासा। डाइस जिसके छह फेसेस होते हैं, डाइस में छह फेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका वन है तो इसके अपोजिट में नीचे सिक्स होगा। अगर आपका ये थ्री है तो इसके अपोजिट में फोर होगा। अगर ये आपका टू है तो इसके अपोजिट में फाइव होगा। कुछ भी नंबर हो सकता है। तो डाइस में छह फेसेस होते हैं और इसमें जो है अपोजिट, वन के अपोजिट सिक्स, टू के अपोजिट फाइव, थ्री के अपोजिट फोर। डाइस दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो डाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की खास बात क्या है? ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डाइस का, क्योंकि इसके अंदर टोटल छह फेसेस होते हैं ना, और छह में से तीन पेयर अपोजिट के, छह होते हैं उसमें से तीन पेयर है, एक ये और नीचे एक पेयर हो गया ये वाला और इसके सामने वाला, दो पेयर हो गया ये वाला और इसके सामने वाला, तीन पेयर हो गया। तो छह फेसेस हैं, तीन अपोजिट पेयर हो गया। स्टैंडर्ड डाइस की खास बात क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आपका ये एक है ना, तो इसके नीचे क्या आया? छः। तो ये अपोजिट का सम कितना हो गया? अपोजिट का सम सात हो गया। ये टू है, इसके अपोजिट में क्या है? फाइव। तो अपोजिट का सम यहाँ भी सात हो गया। ये थ्री है, इसके अपोजिट में क्या है? फोर। यहाँ भी सात है। तो तीनों अपोजिट, एक तो ये हो गया सात हो गया सम, एक इसके अपोजिट का सम दो और पाँच सात हो गया, और एक और छः सात हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस की खास बात क्या होता है कि कोई सा भी अपोजिट पकड़ लो, सबका टोटल सेम ही आएगा। इसमें भी सात आए, अब जरूरी नहीं कि सात ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका अपोजिट का सम तीनों ही केसेस में आपका सेम आएगा, ये जरूरी नहीं कि सात ही आएगा। होता क्या है स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, आपका जैसे बोल देता है वो कि एक से लेकर के छः तक गिनती लिखा आपने एक डाइस पे, एक से लेकर छः तक नंबर मार्क किया है, तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? छः। तो सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट नंबर को ऐड कर दोगे सेवन, ये बताता है कि अपोजिट फेसेस का सम क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, एक स्टैंडर्ड डाइस है और वो टू से सेवन तक मार्क किया गया है। अब साफ है कि डाइस अगर स्टैंडर्ड है और टू से सेवन तक मार्क किया गया है तो उसका लीस्ट और हाईएस्ट का सम कितना बनता है? नाइन। तो उसका कोई सा भी अपोजिट का पेयर लोगे तो आपको नाइन ही जोड़ मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि अपोजिट फेसेस का सम सात ही होगा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये नहीं कि सात ही होगा, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है जो भी होगा तीनों ही केसेस में सेम होगा, जो भी सम आएगा वो तीनों केसेस में सेम आएगा। वो सात भी हो सकता है, वो नौ भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सम सात होगा, नौ होगा, ग्यारह होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो आप सबसे छोटे वाले नंबर को डाइस में जो मार्क किया गया है, सबसे बड़ा वाले नंबर को ऐड कर दो, ये बताता है कि दो अपोजिट फेसेस का सम क्या मिलेगा, और तीनों ही केसेस में आपको सेम ही मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। एक स्टैंडर्ड डाइस है, उसके ऊपर टू से सेवन तक नंबर मार्क किया गया है। अब पहले क्लियर कर दिया डाइस स्टैंडर्ड है, तो एक बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि अपोजिट का सम तीनों ही केसेस में सेम होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है अपोजिट का सम तीनों ही केसेस में सेम होगा। तो आपका जो है टू से सेवन मार्क किया गया है, तो अपोजिट फेस का सम सेम होगा, और कितना होगा? तो लीस्ट और आपका इसको ऐड कर देंगे इस दोनों को, तो कितना बनता है? नौ। तो अपोजिट का फेसिस नौ होगा। तो सवाल पूछेगा पाँच के अपोजिट क्या होगा, तो पाँच के अपोजिट क्या होगा? आपको पता है अपोजिट का सम नौ बनना चाहिए, नौ बनाना है, तो पाँच के अपोजिट क्या होगा? चार होगा। पूछेगा दो के अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है नौ बनेगा, अपोजिट को जोड़ने पता दो है तो उसके अपोजिट में सात होगा, तभी तो नौ बनेगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक डाइस है जिसपे नंबर जो है, एक डाइस पे, डाइस पे नंबर आपका थ्री से आठ तक मार्क किया गया है,
और इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि पांच के अपोजिट, पांच के विपरीत, पांच के विपरीत क्या होगा? तो इसमें आपका जो है तीन और आठ, इसका जोड़ बनता है कितना? ग्यारह। और आपको पता है डाइस स्टैंडर्ड है, तो तीनों ही केसेस में कोई सा भी आप अपोजिट पकड़ लो आपको ग्यारह ही मिलेगा। तो पांच के अपोजिट क्या मिलेगा? तो पांच के अपोजिट आप छह रखेंगे तभी आपको जोड़ ग्यारह, जोड़ ग्यारह बनाना है तो छह। तो बड़ा साधारण क्वेश्चन हो गया स्टैंडर्डाइज का। तो हमारा जो है टाइप वन क्या था? टाइप, इसे हम कहेंगे अपना टाइप वन स्टैंडर्डाइज के ऊपर। तो स्टैंडर्डाइज के अंदर सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो आपका जो है स्टैंडर्डाइज के ऊपर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है 1%। आपका जो स्टैंडर्डाइज है 1% केसेस है कि आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि 99% आपका जो होता है वो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में से पूछा जाता है 99% केस। अब ये सवाल उठता है दिमाग में कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है, तो देखिए इसको करते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज हमारा क्या होगा। ये देखिएगा नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है, मान लीजिए एक जो है, मान लीजिए एक जो बच्चा है उसके पास में जो है आप एक खाली बिना मार्क किया हुआ पासा पकड़ा देते हैं एक बच्चे के पास में, ठीक है, और उसको बोला गया है कि आप जो है एक से लेकर के छः तक नंबर मार्क करना है, और हर फेसिस पे मतलब हर फलक पर, इसे हम फेसिस कहते हैं, इसे हम फेसिस कहते हैं, हर फलक पर आपको एक ही नंबर डालना है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना है। बस इतना ही कहा गया बच्चे को कि एक से छः तक नंबर डालिए। अब बच्चे के मन में तो कुछ भी आ सकता है, इसने यहाँ पाँच लिखा तो इसके यहाँ पे इसने छः लिख दिया, यहाँ पर उसने चार लिखा तो इसके अपोजिट एक लिख दिया, यहाँ दो लिखा तो इसके अपोजिट आपका क्या बच गया? तीन लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आप इसके अपोजिट का सम कितना मिला? ग्यारह। यहाँ अपोजिट का सम कितना मिला? यहाँ अपोजिट का सम कितना मिला? पाँच। तो देखो यहाँ पर आपका ग्यारह है, यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है, तो यहाँ तीनों ही केसेस में आपका सम सेम तो नहीं आ रहा है ना, तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सम क्या आने वाला है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस इस टॉपिक को। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अब ये सोचने वाली बात है, जैसे सवाल मैंने पहले पूछा, अब वही सवाल यहाँ पूछ दो तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो पता चल रहा था कि भाई सम क्या मिलने वाला है अपोजिट का, यहाँ आपको ये नहीं कंफर्म नहीं कर सकते हो कि अपोजिट का सम क्या होगा, कहीं पर आपका 11 भी आ रहा है तो कहीं पर आपका 5 भी आ रहा है। तो इस तरीके से जब आपका अपोजिट फेसिस का सम डिफरेंट डिफरेंट मिले तीनों केसेस में, उस केस को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। इसको हम बोलते हैं वो पासा जो मानक नहीं है, वो पासा जो मानक नहीं है, ये हमारा हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन डाइस चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, यही डाइस है। बताओ पहले यहाँ पे इसके पांच के अपोजिट क्या है? यहाँ पांच के अपोजिट 6 है। अब इसको मैं दोबारा फेंकूंगा तो पांच के अपोजिट क्या होगा? 6 ही होगा। इसको मैं हजार बार भी फेंक दूंगा तब भी पांच के अपोजिट 6 ही होगा। तो आपको जब दो तीन डाइस बना के दिखाएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि तीन अलग अलग डाइस है, एक ही डाइस है, इसको दो बार फेंका गया या तीन बार फेंका गया है तो अलग अलग नतीजा जो परिणाम आया है वो दर्शाया जाएगा। तो डाइस तो एक ही होगा, जिसके अपोजिट जो है सो उसके अपोजिट वही रहेगा, चाहे उसकी 10 अवस्थाएं दिखा दे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप टू से, सारा का सारा टॉपिक हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे चलेगा, वो पासा गैर मानक पासा या फिर जो पासा मानक नहीं है उसके ऊपर अपना टॉपिक चला रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों को, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है आपको। आइए देखते हैं ट्रिक्स क्या होगा। टाइप टू, जैसा कि आपसे कहा गया कि अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे सबका सब नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे ही होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक डाइस है
जिसकी दो अवस्थाएं हैं, मतलब उसको दो बार थ्रो किया गया है, दो बार उसको फेंका गया है, ठीक है ना। जैसे आपके जो रिजल्ट आए 3, 4, 5, 1, 2, 6, एक डाई से पहली बार फेंका तो आपके सामने ये नतीजे आए 3, 4, 5, फिर उसको उठाया दोबारा मिला के फिर फेंका, तो आपके सामने जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, 1, 2, 6। अब सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया टाइप 2 का। इसमें देखिए आपको क्लियर नहीं किया गया कि डाई स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। जब आपको क्लियर ना किया जाए तो आप समझना नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड हुआ, अगर डाइस मानक पासा हुआ जिसके विपरीत फलकों का योग आपका सेम आए, तो पर्टिकुलर मेंशन करेगा, क्लियर करेगा कि डाइस आपका स्टैंडर्ड है, मानक पासा है। जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप ये नहीं समझ सकते कि इसके जो है अपोजिट का सम आपका सेम ही मिलेगा और या फिर क्या मिलेगा। क्लियर है? इस पे जो है नंबर मार्क किया गया 1, 2, 6। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको अपोजिट का फेस 7 मिलेगा तो आपका ये गलत सोचना है। वो जब बोलता मानक पास है तब आप ये सोचेंगे, तो इसके अपोजिट का सम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 6 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप टेक्निक को फॉलो करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो है ना, सबसे ऊपर वाले के विपरीत होता है, तो पूछेगा तो 3 के विपरीत क्या है, तो 1, और 1 के विपरीत क्या है, 3। 4 के विपरीत ये होगा आपका 2, और 2 के विपरीत क्या होगा आपका 4। जो आपके फ्रंट पर है वो फ्रंट वाले के अपोजिट होगा, जो जिस फलक पे वो एक दूसरे के फलक के अपोजिट होगा। ये देखेंगे आप तो 5 के अपोजिट, 5 राइट पर है ना इस तरफ, 6 भी इस तरफ राइट पर, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और इसका डेमो ले रहा हूँ, आप उसके अंदर सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका 4, 1, 6, 5, 2, 3। सवाल पूछा जाता है आपसे कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो 6 के अपोजिट आपका 3 है, या फिर 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, दूसरे के अपोजिट है, या आपका जो है 6 के अपोजिट आपका 3 है, ये आपका आंसर है। टाइप 2 क्लियर हो गया आपका। अब हम करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में आप देखिएगा, ये जो टाइप 3 में आपको करवाने जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल है। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका आने वाला डाइस पूरा का पूरा बहुत ही आसान बन जाता है। आप कह सकते हैं कि टाइप 3 की वजह से डाइस चैप्टर बहुत आसान हो गया है। वो देखिए टाइप 3 क्या है। ये एक ही पासा है, इसको दो बार फेंका गया है, ये दो अलग अलग पासा नहीं है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट जो होगा वहाँ पर भी उसके अपोजिट वही मिलेगा। यहाँ आप देखिएगा, मान लीजिए 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 6 है, 1 है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये इससे कैसे अलग है। इसमें आप देखेंगे कि आपका कोई भी डिजिट दोनों ही स्थिति में कॉमन नहीं आया था, सेम नहीं आया था। यहाँ पर आप देखेंगे डाइस को एक बार फेंका, आपके सामने जो रिजल्ट आया 3, 4, 6, और आपके सामने जो फेंका रिजल्ट आया 5, 6, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एक डिजिट कॉमन आ गया है। तो इस केस में आप बड़े सावधानी बड़े जो है आसानी से कर सकते हैं इसको। वो कैसे बताइए, इन दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन आया है? एक डिजिट कॉमन आया है। कितने डिजिट कॉमन है इन दोनों में? एक। वो कौन सा कॉमन है? 6। अब जो डिजिट कॉमन है आपको पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में आप घड़ी को देखते हैं इस तरह चलते हुए, ऐसे ऐसे घड़ी आपका चलता रहेगा, इस तरह से घड़ी आपका चलता रहेगा, घड़ी का मूवमेंट ऐसे होता है आपका, इस तरीके से नीचे घड़ी गिरता रहता है। तो आप इसको जो है साउथ में इस तरीके से वो टर्न होता रहता है। तो इसी तरीके से आपका डिजिट कौन सा कॉमन है दोनों में? दोनों में जो डिजिट कॉमन है वहीं पर शुरू करेंगे, वहीं से 6। अब जैसे घड़ी चलता है वैसे चलना है, ऐसे ख़त्म। तो क्या लिखेंगे? 6, 4, 3। यहाँ पर भी जो कॉमन था उसी पे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कौन कॉमन दोनों में? 6। तो यहाँ से भी ऐसे ही लिखेंगे, तो ऐसे जैसे घड़ी चलता है ना वैसे चलाया हमने, 6 के नीचे 6 और 5, 6, 5 और 1 और 1। अब कॉमन सी बात है कि यहाँ पर जब आपका 1 से लेकर के 6 तक नंबर मार्क किया गया तो कौन सा नंबर आपको दिख नहीं रहा है इसमें भी?
कौन सा नंबर मिसिंग है? दो आपका मिसिंग है, क्योंकि एक से छः तक मार्क किया, दो रहा है, तो छः के अपोजिट तो छः होगा नहीं, तो छः के अपोजिट क्या होगा? दो होगा, और दो के अपोजिट क्या होगा? छः होगा। बाकी जो नंबर बचा वो एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी जो नंबर बचा वो एक दूसरे के अपोजिट है। चार के अपोजिट पाँच है, पाँच के अपोजिट चार है, तीन के अपोजिट एक है, और एक के अपोजिट तीन है। क्लियर है? तो आपसे कुछ भी सवाल पूछे इसमें तो आपको ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, जो उसके दिल में है पूछेगा, क्योंकि सबके बारे में आपको आंसर पता है। पूछेगा एक के अपोजिट में क्या है तीन, तीन के अपोजिट में क्या है एक, दो के अपोजिट में क्या है छः, छः के अपोजिट में क्या है दो, चार के अपोजिट में पाँच, पाँच के अपोजिट में क्या है चार। वो कुछ भी पूछेगा, जो उसका दिल करे पूछे, आपका आंसर इससे निकल जाएगा। ये आपका जो है टाइप थ्री क्लियर हो गया। ठीक है, आइए टाइप थ्री में एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं, एक और डेमो ले लेते हैं इसका। इसका आंसर आप देंगे, ये आपका सवाल है 3 2 5 3 1 6। ये कॉमन, ये सेम क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इन दोनों में क्या है 8 डिजिट कॉमन है। तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 5 के अपोजिट क्या होगा, ये सवाल है आपका, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो आइए करते हैं, पहले कॉमन क्या इसमें 3, तो आइए 3 से पकड़िए और घड़ी की तरह ऐसे 3 5 2 3 6 1। अब नंबर कौन सा आपका, जो जो नंबर आपका नहीं आया वो कौन सा नंबर आपका, आपका 4 है, तो आपका 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। खैर आपसे तो 5 का अपोजिट पूछा गया था, तो 5 का अपोजिट क्या है 6, तो आपका आंसर 6 आ गया। क्लियर है? लेकिन इस केस में बड़ा कमाल हो गया, कमाल वाली बात इसमें यह है, खैर क्वेश्चन तो सेम है, सेम तरीके से करा है, लेकिन इसमें कमाल यह है कि जो डिजिट कॉमन है ना वो सेम फेसिस पर भी है। यहाँ तो देखो क्या कॉमन था, 6 वो इधर था, वो सामने था, यहाँ क्या है कॉमन, क्या है 3, ये भी ऊपर वो भी ऊपर। तो इस केस में जो बच गया वही दूसरे के अपोजिट होते थे, 2 1 के अपोजिट, 5 इधर वाला उधर वाले के अपोजिट, 6 के अपोजिट। तो इस केस में तो आप देख के भी बता सकते थे कि आपका किसके अपोजिट क्या है। ये देखिए कौन सा नंबर आपको इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आपको जो है 4 नंबर दिख रहा है। तो जो कॉमन वाले का अपोजिट वो नंबर होता है जो दिखता नहीं है, तो इसके अपोजिट 4 हो गया। पूछेगा 2 के अपोजिट क्या, 2 इधर है ना आपके लेफ्ट पर, तो लेफ्ट वाला होगा 1। पूछेगा 5 के अपोजिट क्या, तो 5 राइट पर है ना, तो राइट पर क्या है यहाँ पर 6, तो 5 के अपोजिट हो गया 6। ये तो ये सवाल जो है मुझवानी हो जाएगा, ये ऑरल हो जाएगा आपका, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है आपको? लेकिन सर आप ऐसा यहाँ पर मत करिएगा कि 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 6 है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट कॉमन है ना वो सेम फेसिस पर नहीं है, वो इससे समान फलक पर नहीं है। इसलिए आप जो को आपको जो मेथड बताया गया ये, आप सिर्फ इसी मेथड को फॉलो करिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे सवाल ऐसा है चाहे वो ऐसा है। क्लियर है? तो हमने जो है यहाँ पर टाइप 3 क्लियर कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं टाइप 4। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, फर्स्ट टाइप के बाद हम जो भी करेंगे सारा का सारा नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। आइए टाइप 4। टाइप 4 सर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अभी ही एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली DSSB का, और उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, और सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर भी ये आपका उठ करके आया। उसके बाद ये कल जो MTS का एग्ज़ाम हुआ है, उस MTS के एग्ज़ाम में भी ये टाइप 4 आया। तो टाइप 4 आपका जो है 85% इसकी पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है ये उतना ही आसान है। आइए देखते हैं एग्जांपल में किस टाइप का क्वेश्चन होता है टाइप 4। 2 3 4 5 2 3। आप सर पहले मुझे ये बताइए इसके अंदर टाइप 4 के अंदर कि आपको पहले वाले क्वेश्चनों से इसमें क्या आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चनों से आपको इसमें क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आपका एक जो है एक भी कॉमन नहीं आ रहा था। इसमें आपका जो टाइप 3 है इसमें आपका एक डिजिट ही कॉमन आ रहा था। अब देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस है आपका टाइप 4 में, टाइप 4 में आपका 2 डिजिट कॉमन आ रहा है। कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, और एक कौन सा कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन आ रहा है ना। क्या बच गया आपका 5 और 4। तो सर बड़ा सिंपल सा हो गया, जो बच गया आपका वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 4 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट क्या है 4। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, सर 3 के अपोजिट क्या होगा,
तो सर इस केस में आपका क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही बन सकता है, जो बचेंगे नंबर जो डिफरेंट नंबर होंगे, सवाल सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। अदरवाइज ऐसा सवाल अगर पूछता है तो डाटा इनसफिशेंट है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस सूचना में बाकियों का आंसर नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें सवाल आपका यही पूछेगा, जो बच जाएगा वो उसके बारे में से किसी के बारे में पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या है या 5 का अपोजिट क्या है। जो नंबर बच जाते हैं वही दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही, इसको फ्री का मार्क्स आप बोल सकते हो। अगर आपके पास में ट्रिक्स है, टेक्निक है, तो आप बहुत कम समय में अपना आंसर निकाल पाएंगे। ये आपका 3 3 और आपका 4 1, ये आपका इसको कर लीजिए आप 6, ठीक है। तो आपका हो गया 3 6 3 6। और आपके जो है कौन से नंबर, 3 6 जो, ये तो कॉमन नंबर है, काट दीजिए। क्या बचा 4 और 5, ये दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो 4 के अपोजिट क्या है 5 और 5 के अपोजिट क्या है 4। ये आपका टाइप 4 हो गया। अब आइए हम करने जा रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 में सर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है एक पास है, इसको एक बार फेंका गया है और उसके जो परिणाम आए आपके सामने हैं 6 1 4। एक पास है जिसको एक बार और फेंका गया है, जिसके परिणाम आपके सामने आए हैं 5 3 6 5 3 6। पासे को दोबारा से फेंका गया है, मतलब तीसरी बार फेंका गया आपका जो डाइस है, उसके जो रिजल्ट हैं आपके सामने हैं 4 1 2। तो यहाँ पर डाइस ऐसा मत आप समझना कि डाइस जो है ये 3 डाइस है, 3 डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, इसको 3 बार थ्रो किया गया है इस डाइस को। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है सवाल के अंदर कि 2 के सामने क्या है, 2 के नीचे क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, सबका मतलब एक ही है। सवाल पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। सर इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको 3 बार दिखाया हो, चाहे आपको 4 बार फेंक दे या 5 बार फेंक दे, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। आपने टाइप 3 किया है ना, टाइप 3 जिसके अंदर एक डिजिट कॉमन था, तो उसमें खास बात क्या था, उसमें आप 6ों के बारे में पता लगा पा रहे थे। अब उसके जो मर्जी पूछ ले, आप चैलेंज के साथ पे कह सकते हैं, आप जो मर्जी पूछ लो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो आपके पासा तो एक ही है ना, उसको 3 4 स्थिति दर्शाया गया है, जिसके अपोजिट 6 के अपोजिट जो है सो वही रहेगा, चाहे उसको 100 बार फेंक लो। तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे, आप कोई ऐसी 2 अवस्था पकड़ लीजिए जिसके अंदर एक ही डिजिट कॉमन है, आप 6 1 4 3 5 6, ये देखिए पहली 2 अवस्था ही आपको ऐसी मिल गई जिसके अंदर क्या है आपका एक डिजिट कॉमन है। कौन सी डिजिट कॉमन है यहाँ पर, 6। तो आइए इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए बस। तो क्या आएगा, वही क्लॉकवाइज 6 4 1, वही क्लॉकवाइज 6 3 5, क्या बच गया 2। तो 6 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 1 है। जो दिल में आए पूछ सकता है वो आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट पूछा था, 2 के अपोजिट क्या आंसर है आपका, 2 के अपोजिट आंसर है 6। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर आपका 6 है। क्लियर है, कितना आसान हो गया ये, एक तरीके से टाइप 5 आपको लग रहा था मेरे सॉल्व करवाने से पहले, लेकिन सॉल्व करवाने के बाद आपको पता लगा ये टाइप 3 ही है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप 5 का। एक पासा है जिसकी एक बार थ्रो किया गया है और परिणाम आपका 5 4 और 1, इस पासे को एक बार और फेंका गया है, इसका जो परिणाम है वो आपका परिणाम है 5 2 3। पासे को एक बार और फेंका गया है, इसका जो परिणाम आपके सामने है वो परिणाम है आपका 6 4 3। एक बार और फेंका गया इस पासे को, उसका परिणाम आपके सामने जो है वो आपका है 5 3 4 5 3 4। अब आइए आपसे सवाल क्या पूछता है, इसमें 3 संख्या वाले फलक के सामने कौन सी संख्या है, तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है आपको, इसमें 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो वही
चार बार हो चाहे उसको 20 बार फेंक दे, आपको कोई मतलब नहीं है। आप कोई दो ऐसी अवस्था पकड़िए इसके अंदर एक ही डिजिट कॉमन हो। आइए देखते हैं, 5 4 1, 5 2 3, ये लीजिए आपका स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। तो आपका जो है 5 है ये, और कमाल की बात क्या है इसमें, जो डिजिट कॉमन है वो सेम फेसिस पर भी है। ठीक है सर, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1। ये सवाल तो वैसे ही खत्म हो गया शुरू होते ही, बट कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। 5 1 4, 5 3 2, ठीक है। 3 के अपोजिट पूछा था, बाकी से मतलब नहीं आपका, 3 के अपोजिट क्या आपका आंसर आया, 1। क्लियर है, तो आपका इसका आंसर आ गया 1। आइए टाइप इसका 6 करने जाते हैं। टाइप 6 ये देखिएगा, एक पासे को अगर आप पूरी तरीके से खोल देंगे, तो इस पासे को आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये तो एक आपका, आप कह रहे होंगे ये प्लस का साइन है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एक प्लस के साइन की तरह दिखेगा, क्योंकि इसकी जो चार दीवारें खड़ी होंगी वो चार दीवारें जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से वो बिछ जाएंगी, लेकिन जो एक छत होगा वो या तो इसके साथ में जाएगा या तो कहीं ना कहीं वो आ सकता है, जो इसके साथ में भी हो सकता है वो, इसके साथ में हो सकता है वो, इसके साथ में हो सकता है और इसके साथ में हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए इसके साथ में है। तो एक डाइस को अगर पूरी तरीके से खोल देते हैं, उसकी चारों दीवार को बिछाएंगे, तो ये रहा बेस उसका, ये रहा, और छत उसका कहीं भी जा सकता है, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में। तो मान लीजिए 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, ये सवाल है। तो जो सबसे, एक तो प्लस का साइन आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, प्लस का साइन है बीच वाले से जुड़ा हुआ है जो, और एक आपको सबसे अलग थलग फेंका हुआ नज़र आ रहा होगा, ये 6। तो जो सबसे अलग थलग है ना वो बीच वाले के अपोजिट होता है, तो 4 के अपोजिट क्या है, 6। क्लियर है। अब बाकी प्लस वाला जो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट यहाँ पर 2 है इसके सामने वाला, और 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। क्लियर है। तो ये आपके जो क्वेश्चन इस तरीके से डाइस खोल करके पूछ सकता है आपसे कि किसके अपोजिट क्या है। आइए एक बड़ा बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा बन गया। 3 4 5 1 6 2, 6 फेसेस आपको सामने नजर आ रहे हैं। अब कह रहा है इसमें 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, ये होता है बीच वाला, क्योंकि सबसे साइड में फेंका हुआ है, ये इसके अपोजिट होता है और ये इसके अपोजिट होता है। ये आपका हो गया टाइप 6। टाइप